नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरल एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम आपको मैथ का जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और एग्ज़ाम है वो BSF, LDC, CPO, SSC, रेलवे, बैंक और जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको ट्रिक बताऊँगा, आप इसको सेकेंडों में हल कर दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, यदि 10 व्यक्ति आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि 10 व्यक्ति 9 घंटे में कुछ काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने दिन में 25 व्यक्ति 6 घंटे रोज़ काम करके उस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीके देखिए, 10 व्यक्ति 9 घंटा और 20 दिन इक्वल टू कितना हो गया, एक काम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 व्यक्ति 9 घंटा और 20 दिन इक्वल टू एक काम होता है। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, एक काम के बराबर में हो जाएगा कितने दिन में, मान लेते हैं D1 दिन में 25 व्यक्ति, तो 25 गुने 25 व्यक्ति और गुने 6 घंटा रोज़। आप इसको हल कर दीजिए, हल करने के बाद आसानी से आपको 12 दिन आंसर निकल जाएगा। इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, काट दीजिए, ठीक है, और 12 दिन आसानी से निकल जाएगा। तो ये था इसका सबसे आसान ट्रिक। काम एक काम है, तो काम को 10 व्यक्ति 9 घंटा 20 दिन एक काम होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू में 25 व्यक्ति 6 घंटा और कितना दिन, तो एक्स दिन मानिए चाहे D1 दिन मानिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, समीकरण बराबर हो गया और इसको हल कीजिए, आराम से निकल जाएगा। और मान लीजिए अगर नहीं है तो मैं आपको बता, देखिए 5 25 हो गया, 4 5 20 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया और 5 2 9 कितना हो जाएगा, 10 और ये दो और ये दो कट गया, इक्वल टू 12 दिन आंसर आ गया। ठीक है, अभी आपको देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक पुरुष, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए, एक पुरुष यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है। यहाँ देखिए अंक में लिखा हुआ है 3:2 है, तो तदनुसार उस स्त्री को अकेले हुआ पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेगा, मतलब अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए एक दिन में कितना करता है, एक दिन में काम होता है 3:2, मतलब 3 करता है पुरुष और 2 करता है महिला। ठीक है, मतलब एक दिन में महिला कितना करता है, 2, सीधा समझिए, और पुरुष करता है 3। और देखिए तो टोटल काम कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया टोटल काम, और 18 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 × 18 = 90। अब देखिए महिला जो है एक दिन में 2 करती है, तो ये 90 एक दिन में 2 भाग करती है, तो 90 भाग कितना दिन में करेगा, 90/2 = हो जाएगा 45, मतलब 45 डे आराम से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अनुपात पे ध्यान देना, 3:2, 3×2 5 हो गया, 5 को 18 से हम गुना कर दिए, टोटल काम हो गया एक दिन का 5, तो 18 दिन कितना हो गया, 90। अब महिला एक दिन में करता है 2, तो टोटल काम है 90, तो 90 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45 दिन, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक ट्रिक्स था। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, मान लीजिए ये आयत है, ठीक है, और इसकी जो है ये 10 है चौड़ाई और इसका 15 है कितना लंबाई। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्र पता होगा आयत की लंबाई और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा 15 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 150। अभी बोल रहा है दोनों को दोगुना कर दिया गया, मतलब 10 का यहाँ पे हो गया 20 और गुने 15 हो गया 30, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 600। अब वृद्धि कितना हो गया, देखिए वृद्धि क्षेत्रफल कितना हो गया, मतलब वृद्धि हो गया यहाँ पे 450, तो वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए, वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 450 वृद्धि या गुने 100 अब बट्टा पुराना वाला, तो 15 × 3 = 45 इक्वल टू हो जाएगा सीधा 300%। ठीक है, तो 300% इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर ये 15 और 10 ही क्यों माने, देखिए 15 और 10 पे सॉल्व करना आसान है, आपको मानना है तो 8 और 10 मान लीजिए, 6 और 9 मान लीजिए,
फिर भी आपको इतना मिलेगा, लेकिन उसमें क्रिटिकल आ जाएगा, आपको सॉल्व करने में समस्या होगी, इसीलिए 15-10 हम लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस प्रकार के सवाल हर एक एग्जाम में आते हैं। इस प्रकार को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे ऑप्शन से सॉल्व। ठीक है, देखिए, ए अनुपात बी 3:4 है, सी अनुपात बी 5:4 है, सी अनुपात डी 10:9 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी डी का मान क्या होगा? सबसे पहले देखिए, ए अनुपात बी 3:4 है, 3:4 किस में आ रहा है? देखिए, यहाँ 2 और यहाँ 4 × 8 3 × 6 4 × 8 3 × 6 तो यहाँ आ रहा है 4:3, ये नहीं होगा, फर्स्ट टाइम गलती हो गया। भी देखिए, यहाँ भी वही है 4:3, ये गलती हो जाएगा। 3:4 में देखिए, 3 × 6 4 × 8 यहाँ पे आ रहा है इसमें, और यहाँ पे देखिए 6:8 है तो इसमें भी आएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, अब कह रहा है सी अनुपात बी बराबर 5:4, तो सी अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × B = 4:5 भी लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। तो बी अनुपात सी 4:5 है, 4:5 देखिए कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपको बी और सी ये है, तो बी यहाँ 4 मिल गया, 4 × 8 5 × 10 तो 4:5 भी मिल रहा है, ये भी मिल गया। अब सी अनुपात डी बोल रहा है 10:9, लेकिन 10 नहीं, यहाँ पे 5 होगा, ये आंसर क्वेश्चन गलती लिखा गया है, तो 5:9 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10:9 किस में है, यहाँ पे 5:9 किस में है, 5:9 यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब आंसर सी सही होगा। ठीक है, तो ये था 4 जो है क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज का संग्रह। ऐसे ही हम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आएंगे, और आपको जो है जो आप मिनट लगाते थे, 5 मिनट 4 मिनट लगाते, आप सेकेंडों में सॉल्व कर जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।